मंत्री जी, आज आपने जिला अस्पताल का दौरा किया है, घायलों को देखा, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, घटना तो दुखद है और जिनको चोट भी आई है एक्सीडेंट में, तो हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा तो चोट नहीं है, फिर भी चोट तो चोट होती है और उपचार भी चल रहा है और जैसा कि देख के महसूस किया वो डॉक्टर जो बता रहे हैं सब ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी उनकी छुट्टी भी हो जाएगी। थोड़ा घाव भरने में टाइम लगेगा और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से उनके समुचित उपचार के लिए और उनको आर्थिक सहायता की भी जो व्यवस्था हो सकती है रेड क्रॉस से, 7,500 सभी घायलों को कलेक्टर साहब की तरफ से व्यवस्था सरकार के निर्देश पे किया गया था, तत्कालीन कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी और आज 10,000 रुपए स्वेच्छा निधि से हम भी जितने भी घायल हैं उनको प्रदान करने के लिए कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है, अपने स्वेच्छा निधि से उनकी देंगे और उनके खाते में समझते एक दो दिन में राशि पहुंच जाएगी, जल्दी स्वस्थ हो जाए इसी के लिए शुभकामना है। अब इस तरह की घटना नहीं घटे उसके लिए जो भी कमी रही हो उस पर जिला प्रशासन और सभी अधिकारी लोग उस पर चर्चा करें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। रीवा में भी एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें काफी कैजुअल्टी हुई, काफी लोग मारे गए। प्रदेश में जिस तरह से बसें चल रही हैं अनियंत्रित होकर, काफी समय से उनकी परमिट की जांच नहीं हुई, ड्राइवरों की जांच नहीं होती, उनकी आंख की जांच नहीं होती, उनकी वाहनों की फिटनेस की जांच नहीं होती, इस ओर क्या आपके दिशा निर्देश होंगे? देखिये, जांच नहीं होती ये तो नहीं कह सकते है, लगातार जो प्रक्रिया है उसके तहत ही सारी कार्रवाई होती है। अनुमति देने की एक जो प्रक्रिया है वो उसके तहत ही होता है, पर कई बार गलती से गलती कर जाते हैं या जानबूझ के भी गलती करते हैं, इस पर सुधार होना चाहिए और इसके लिए आज वहाँ भी निर्देशित किया है, अधिकारी लोग उपस्थित थे उनको भी बोला, यहाँ भी बोल रहे कि जो भी वाहन चल रहे हैं उनके लिए जो अवधि और नियम निर्धारित है उसके अनुरूप ही चले, इस पे सख्ती से पालन करना चाहिए जिससे कोई बड़ी घटना नहीं घटे। कहीं न कहीं जो घटनाएं घटित हो रही है इसमें आरटीओ डिपार्टमेंट भी कहीं न कहीं दोषी है, आरटीओ डिपार्टमेंट क्या अपने रूल्स को बता रहा है? देखिए, आरटीओ डिपार्टमेंट जो उनकी जिम्मेदारी है ये तो हम नहीं कह सकते कि नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, पर कहीं जो थोड़ी बहुत विसंगति है, अगर कोई फॉल्ट है तो उसका काम है जिला प्रशासन को निगरानी करने का, कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है कि आप समीक्षा करें और इस तरह से जो समय सीमा जिनका पूरा हो गया है या जो वाहन कंडम है वैसे वाहनों को अनुमति नहीं दें जिससे इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। पंचायत चुनाव कब तक हो रहे हैं मंत्री? मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का है, राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा, जब उनकी तैयारी हो जाएगी वो कराएंगे, ये सरकार सिर्फ सहयोग करती है। मंत्री जी, मध्य प्रदेश में बालाघाट, दमोह, सीधी सहित 48 घंटे में 3 बलात्कार केस हुए हैं, ऐसे दरिंदों के लिए आपकी सरकार क्या कुछ नया कदम उठाएगी? देखिए, जो दरिंदे हैं या जो इस तरह के काम करते हैं वो अपराधी हैं, समाज की नज़र में भी और सरकार की नज़र में भी, तो सरकार इसके लिए पूरी तरह से तटस्थ है और जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही है सख्ती से कार्रवाई करने के लिए सरकार की तरफ से निर्देशित किया जा चुका है और कहीं कोई कोताही अगर होती है आप संज्ञान में लाएंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे।